तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार 34 दिन कंप्लीट करके आज 35वें दिन में एंट्री मार ली है और यस यहां पर अब इसे कंपटीशन देने के लिए दो मूवी जबरदस्त अपना पांव जमा चुकी हैं, गड़ा चुकी हैं, फुकरे 3 और मिशन रानीगंज। ये काफी अच्छा कलेक्शन करते नजर आ रही, लेकिन वही बात, जवान 35 दिन पुरानी होने के बावजूद भी इन दोनों नई ताजी फिल्मों को ऐसी धज्जियां उड़ाते हुए आगे बढ़ रही है। भाई साहब अमेजिंग ग्रोथ, अमेजिंग स्टारडम ऑफ शाहरुख खान। और साथ में 2-3 मूवी और हैं, उनका तो नाम ही नहीं आ रहा है। मिशन रानीगंज के साथ सनी देओल के बेटे की दोनों मूवी रिलीज हुई थी और थैंक यू फॉर कमिंग वल्गैरिटी वाली एक बार मैं बात कर सकता हूँ, यस वो दोनों मूवी भी रिलीज हुई थी, लेकिन उन दोनों का कहीं से कहीं तक नाम नहीं आ रहा है। सिंगल डे में, मतलब ओपनिंग ही मैं कह रहा हूँ, 1 करोड़ के आसपास भी नहीं कमा पाई है। दोनों मूवी का अगर मैं आपको बताऊँ कलेक्शन अभी तक कितनी हो चुकी है, हालांकि 5-6 दिन हो चुके हैं, अभी तक ये दोनों मूवी की अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मैं जोड़ूं तो भाई को 10 करोड़ भी नहीं हो पाएंगे। तो वही चीज़ यार, इन दोनों फिल्मों को अगर OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज कर दिया जाता तो बहुत ही अच्छी कमाई ये मूवी कर सकती थी। खैर, जवान के बारे में बात करते हैं, क्योंकि शाहरुख खान ने जो सॉलिड लेगेसी बनाई है और उसका प्रूफ हमें रोज़ देखने को मिल रहा है। आज भी इतने कॉम्पिटिशन होने के बाद अक्षय कुमार छोटे मोटे एक्टर नहीं हैं, छोटे मोटे स्टार नहीं हैं, बाई गॉड बहुत बड़े स्टार हैं। उनकी मूवी आने के बावजूद, फुकरे की मैं बात करूँ, फुकरे ने ऐसी ब्रांडिंग सेट करी है, ऐसी लेगेसी सेट करी है, उसके बावजूद ये दोनों मूवी चलने के बावजूद भी जवान अभी भी सिंगल डे में 1 करोड़ तक की कलेक्शन करते नजर आ रही है, वो भी वर्किंग डेज में। तो इस जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है इसके बारे में बात करेंगे। कल का दिन कैसा रहा, आज का दिन कैसी चल रही है मूवी, आज कितनी कमाई करते नजर आ रही है और टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और भी कितना कर सकती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना अगर शाहरुख खान से रिलेटेड, मतलब जवान मूवी से रिलेटेड लगातार बिग अपडेट चाहते हैं तो। लेकिन चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय गॉड, आप लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और यस हमें और काम करने का मन करता है और अच्छी तरीके से काम करने का मन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में मात्र 300 करोड़ के भारी भरकम बजट में इस मूवी को कंप्लीट करा गया था, जिसके मेन लीड पर द किंग खान बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। सपोर्टिंग कास्ट इज अमेजिंग, उसके बाद सोशियो पॉलिटिकल एंड करप्शन के मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से बात उठाई गई थी। तो स्टोरी लाइन अमेजिंग है, सुपर कंटेंट मैं फिर कहूँगा, एक्शन मसाले के साथ, एक्शन मासिव मूवी के साथ अगर स्टोरी लाइन बेस्ट जुड़ जाए तो यस ये मूवी ब्लॉकबस्टर जाएगी, और वो ब्लॉकबस्टर जाते दिख रही है। और इसने वो टैग भी हासिल कर लिया, क्योंकि 1000 करोड़ कंप्लीट करना कोई मामूली बात नहीं है। तो ज़बरदस्त तरीके से ये मूवी आगे बढ़ रही है, फर्स्ट डे से ही बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो पहले 3 दिन में ही मूवी ने 205 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। सिंगल डे में मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदी से इतनी बड़ी कलेक्शन कोई आज तक ला ही नहीं पाई है। इवन अभी तक फुकरे 3 ने अराउंड 11वें या 12वें दिन में अपनी टोटल कलेक्शन करी थी 70 करोड़ के आसपास, लेकिन सिंगल डे में सिर्फ हिंदी से जवान लेकर आई थी 71 करोड़। मिशन रानीगंज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, आज 6 दिन होने के बाद भी 24 करोड़ का ही कलेक्शन आता दिख रहा है। तो यह शाहरुख खान के स्टारडम ने जबरदस्त आग मचाई है। तो पहले हफ्ता मूवी ने शानदार तरीके से कंप्लीट किया, 660 करोड़ की कलेक्शन करते हुए पूरी दुनिया से, और नेट इंडियन कलेक्शन 369 करोड़ हो चुका था। पहले 10 दिन में ही मूवी झंडे गाड़ चुकी थी, बाय गॉड 812 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन कर चुकी थी, और यहाँ तक बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में हिंदी से बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी थी। टाइगर जिंदा है, बजरंगी भाईजान, चेन्नई एक्सप्रेस, ये सब बड़ी बड़ी कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट की कलेक्शन में बैठी थी। इन सारी मूवियों को 10 ही दिनों में खदेड़ दिया था। तो पहले 2 हफ्ते तक मूवी आते आते 922 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन कर चुकी थी पूरी दुनिया से, और नेट इंडियन कलेक्शन 520 करोड़ हो चुका था। 20वें दिन तक आते आते मूवी ने जबरदस्त कलेक्शन अपने खाते में रख ली थी, सिर्फ हिंदी से 515 करोड़ और नेट इंडियन कलेक्शन 571 करोड़ और पूरी दुनिया से 1022 करोड़ का कलेक्शन ही मूवी कर चुकी थी। 1000 करोड़ की क्लब में एंट्री मार ली थी मूवी ने मात्र 19 दिन में ही, और यहां तक आते आते KGF 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को भी बीट डाउन कर दिया था, और बाहुबली 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को भी बीट डाउन कर दिया था, जो अराउंड 510 या 511 करोड़ के आसपास है या फिर 505 करोड़ के आसपास था बाहुबली 2 का हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन। इसी के साथ बात करें तो मूवी 25वें दिन तक आते आते नेट इंडियन कलेक्शन 607 करोड़ पहुंचा चुकी थी और पूरी दुनिया से 1082 करोड़ के आंकड़े को ये क्रॉस कर चुकी थी। 29वें दिन तक आते आते मूवी 1107 करोड़ मतलब 1100 करोड़ में एंट्री मार चुकी थी। भाई साहब अमेजिंग, मैं फिर कह रहा हूँ ना, 1100 करोड़ किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन जवान
मान 1100 करोड़ को ना कि टच किया बल्कि इसको क्रॉस करते हुए आगे चल रही है। इसी के साथ 31वें दिन सैटरडे का भी फुल फायदा उठा के जबरदस्त कमाई करी और 32वें दिन संडे का फुल फायदा उठाते हुए जबरदस्त कमाई करी है। तो मूवी संडे 32वें दिन तक आते आते 1117 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी थी और नेट इंडियन कलेक्शन बताऊं तो 626 करोड़ का हो चुका था। 600 करोड़ में नेट इंडियन में नंबर 1 ग्रॉसर ये मूवी बन चुकी है हिंदी सिनेमा की, जो अभी तक बाई गॉड किसी ने 600 करोड़ टच भी नहीं करा था, लेकिन मूवी ने टच किया है और आगे बढ़ी है। अब यही आंकड़ा 650 करोड़ कब हो जाएगा आपको देखते देखते पता भी नहीं चलेगा। इसी के साथ बात करें फिफ्थ मंडे यानी 33वें दिन कैसी ग्रोथ रही, तो भाई साहब अमेजिंग ग्रोथ रही। मंडे वर्किंग डेज में वो भी 33वें दिन में आने में वो भी पांचवा मंडे, इट मींस ये कि पहले चार मंडे कंप्लीट कर चुकी है और पांचवें मंडे तक आते आते मूवी सिर्फ हिंदी से 1.02 करोड़ कमाती दिख रही है। तमिल तेलुगु से 3 लाख आया, टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 1.05 करोड़ का कलेक्शन आया और ये मूवी हिंदी से मंडे एंड ऑफ द डे तक 567.40 करोड़ कमा चुकी थी। तमिल से 29.96 करोड़, तेलुगु से 27.72 करोड़ और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 625 करोड़ हो चुका था। वही ग्रॉस कलेक्शन 743 करोड़ हो चुका था। ओवरसीज से 376.50 करोड़ और टोटल पूरी दुनिया से हो जाता है 1119 करोड़। 1119 करोड़ बाय गॉड ये मूवी कंप्लीट कर चुकी थी परसों एंड ऑफ द डे तक, जो गुजर चुका है मंडे एंड ऑफ द डे तक। तो अमेजिंग कलेक्शन बाय गॉड, ह्यूज कलेक्शन। अभी सिर्फ पठान के रिकॉर्ड को एक ही रिकॉर्ड रह गया है पठान का ओवरसीज से 400 करोड़ कंप्लीट करने का। तो यह भी मूवी जवान उससे पीछे है, लेकिन यस अगर कुछ ही दिनों में ये मूवी कर लेगी कंप्लीट, क्योंकि 45-50 दिन इसे चलना ही चलना है। गदर 2 की अगर मैं बात करूं, अगर वो ऐसे कंटेंट के साथ 55 या 50 दिन चल सकती है तो यस जवान तो चलनी ही चलनी है 50 दिन भी। बात करें कल यानी फिफ्थ ट्यूसडे की यानी 34वें दिन कल वर्किंग डे के साथ कैसी कलेक्शन रही, जबरदस्त कलेक्शन रही क्योंकि साथ में फुकरे 3 भी चल रही है, मिशन रानीगंज भी चल रही है, कहीं ना कहीं 2-3 मूवी और हैं वो भी चलनी है, तो कुछ सोच वो भी अपने खाते में ले रखे हैं। 500-500 स्क्रीन्स तो मान ली जाए मिनिमम अगर उनके खाते में जोड़ दें, अगर यही 500 स्क्रीन्स जवान को मिल जाती तो भाई अमेजिंग कलेक्शन होती, आज आंकड़ा कुछ और देखने को मिल जाता। तो यस कल हिंदी से मूवी ने 1 करोड़ की कमाई करी सिर्फ हिंदी से, अभी भी मूवी जबरदस्त कमाई करते नज़र आ रही है। जबकि नई ताजी फिल्में ये मिशन रानीगंज होगी, फुकरे 3 होगी, उनकी भी कलेक्शन सिंगल डिजिट में ही जा रही है, 1 करोड़ के आसपास लेकर आ रही है। वर्किंग डेज की मैं बात कर रहा हूँ तो जवान अभी भी देखो इतने पुरानी होने के बावजूद भी अच्छी खासी कमाई करते नज़र आ रही है। तीनों लैंग्वेज को मिलाकर कल मूवी ने 1.03 करोड़ का कलेक्शन किया, ह्यूज ग्रोथ। इसी के साथ टोटल हिंदी से हो चुका था 568.45 करोड़ का कलेक्शन, टोटल नेट इंडियन कलेक्शन हो चुका था 626.08 करोड़ का कलेक्शन और कल ग्रॉस से आते दिखा था 1.5 करोड़ और पूरी दुनिया से 2 करोड़ की कमाई हो चुकी थी। तो इसी के साथ पहले 34 दिन में ही मतलब कल एंड ऑफ द डे तक ग्रॉस कलेक्शन 744 करोड़ आ चुका था, ओवरसीज से 377 करोड़ आ चुका था और पूरी दुनिया से ये मूवी 1121 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली थी। बात करें आज यानी 35वें दिन यानी आज वेडनेसडे की, तो आज भी वर्किंग डे है, आज भी डिप देखने को मिलेगी और ये जिसे डिप नहीं कहेंगे बाय गॉड, 35वें दिन में आते आते मूवी इतनी अच्छी कमाई कर रही है तो इसे स्लो ग्रोथ तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा कहूंगा, आज भी ये जबरदस्त कमाई कर रही है। जो रेशियो मूवी की ओपनिंग में था वही रेशियो से आज भी ट्रेंड कर रही है, आज भी आगे बढ़ते जा रही है। बात ये है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस ने पहले हफ्ते में ही मूवी को देख लिया था, तो यस बहुत से लोग डबलिंग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से लोग अगर आपको मूवी पसंद आती है तो डबलिंग भी करते हैं। तो यस अभी तक आते आते कुछ लोग डबलिंग भी कर रहे हैं और जो कुछ एक ऑडियंस रह गई है वो भी देख रहे हैं मूवी को। तो यस फुकरे 3 और उनको भी जबरदस्त टक्कर दे रही है। तो आज की अगर ऑक्यूपेंसी बताऊं तो 8-10% की ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी ने ओपनिंग करी है। हिंदी से मूवी 98 लाख कमाई करते हुए नजर आ रही है और नेट इंडियन कलेक्शन 1 करोड़ का आता दिख रहा है। तमिल तेलुगु से मात्र 2 लाख की कमाई करते नजर आ रही है, पूरी दुनिया से 2 करोड़ की कमाई करते नजर आ रही है आज मूवी। इसी के साथ सिर्फ हिंदी से अगर मैं बताऊं तो पहले 35 दिन में ही 569.35 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने नाम कर लेगी और पहले 35 दिनों में एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 628 करोड़ का हो चुका होगा। इसी के साथ पूरी दुनिया से ये मूवी आज पूरी दुनिया से 1123 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी। बाय गॉड दूर नहीं लग रहा 1150 करोड़ कंप्लीट करना इस मूवी के लिए, इजी टू इजी इजली कंप्लीट कर जाएगी, इजली टच कर जाएगी 1150 करोड़, मे बी 1200 करोड़ में भी पहुंच जाए। लेकिन वही बात है, अगर लियो और गणपत ने थिएटर में जबरदस्त कब्जा नहीं जमाया तो ये मूवी भी अच्छी खासी कमाई कर सकती है, 1200 करोड़ टच कर सकती है। तो अभी जवान के बारे में बात करते हैं कि जवान 1150 करोड़ कंप्लीट कर लेगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।